Assalamu alaikum. How are you friends? मैं हूँ आपका होस्ट फैसल बशीर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिकेट डायरी। व्यूअर्स, आप आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। क्या आप जानते हैं बैट पर स्टिकर लगाने से क्रिकेटर्स को कितनी आमदन होती है? इस बात में कोई शक नहीं कि क्रिकेट के खेल में बेशुमार पैसा मौजूद है। कमर्शियल शूट्स लीग्स के अलावा भी क्रिकेटर से ऐसे जराए मौजूद हैं जिनसे बेपनाह रकम हासिल होती है। क्रिकेटर्स को बैट पर स्टिकर अवेजा करने पर भी खतरी रकम मिलती है, जो कई बार बोर्ड्स की जानिब से आम खिलाड़ियों को मिलने वाले मुआवजे से ज्यादा होती है। इसमें भारतीय बल्लेबाज शेखर धवन भारतीय ओपनर ने MRF के साथ 3 करोड़ सालाना की डील कर रखी है, जो कि बैट पर MRF स्टिकर अवेजा करने पर सालाना 3 करोड़ रुपए MRF कंपनी शेखर धवन को अदा करती है। इसी तरह MS धोनी भारत के कामयाब तरीन क्रिकेटर को स्पार्टन की जानिब से सालाना 6 करोड़ अदा किए जाते हैं। रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में 3 डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के वाहद बल्लेबाज C8 की जानिब से 3 करोड़ सालाना वसूल करते हैं। C8 रोहित शर्मा को सालाना 3 करोड़ रुपए अदा करती है। वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बैट्समैन क्रिस गेल स्पार्टन की जानिब से सालाना 3 करोड़ वसूल करते हैं अपने बैट पर स्पार्टन का स्टिकर अवेजा करने पर। इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी MRF का स्टिकर इस्तेमाल करते हैं। MRF विराट कोहली को 100 करोड़ का मुआवजा अदा करती है। साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर अपने बैट पर लोगो लगाने पर 4 करोड़ की रकम वसूल करते हैं। एबी डिविलियर भी MRF का स्टिकर यूज करते हैं। MRF वाले एबी डिविलियर को भी सालाना 4 करोड़ की खतरी रकम अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको अपडेट्स मिल सके। मैं था मियां फैसल और आप देख रहे थे अपना